नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास ट्वेल्थ या कक्षा 12 का सत्र 2022-23 का ब्लूप्रिंट। क्लास ट्वेल्थ सत्र 2022-23 का ब्लूप्रिंट आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप क्लास ट्वेल्थ से संबंधित जानकारी जैसे ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन बैंक या महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित जानकारी पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन पर भी विथ उसके आंसर, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम पर जाना है, नरेंद्र विश्वकर्मा सर्च करना है, हमारा चैनल आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना है। हम यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ से संबंधित उपयोगी जानकारी सेंड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो देखते हैं क्लास ट्वेल्थ सत्र 2022-23 का ब्लूप्रिंट। देखते हैं क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट केमिस्ट्री सत्र 2022-23 का ब्लूप्रिंट। कक्षा 12 रसायन विज्ञान सत्र 2022-2023 का ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले इकाई एवं विषय वस्तु आपके इस कलम में दिए गए हैं। यहाँ पर इकाई पर आवंटित अंक दिए हैं। यहाँ पर एक अंक के कितने क्वेश्चन हैं, दो अंक के कितने प्रश्न हैं, तीन अंक के कितने प्रश्न आने हैं, चार अंक के कितने प्रश्न आने हैं, पाँच अंक के कितने प्रश्न आने हैं, ये जानकारी दी गई है। लास्ट में दिया है कुल प्रश्नों की संख्या। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अध्याय एक, अध्याय एक कट चुका है, अध्याय दो जो कि है बिलियन। यदि आप कौन कौन से पार्ट कट चुके हैं यदि देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखें बिलियन से आपके 7 अंक के क्वेश्चन आंसर आने हैं, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट आने हैं, 2 अंक का एक प्रश्न आना है, 3 अंक का एक प्रश्न आना है, 4 अंक के कोई प्रश्न नहीं आना है, 5 अंक के कोई प्रश्न नहीं आना है। फिर इसके बाद विद्युत रसायन 3 अध्याय से कुल 9 अंक के प्रश्न उत्तर आना है, जिसमें 2 अंक के ऑब्जेक्ट हैं, 2 अंक का एक प्रश्न है, 3 अंक के एक भी प्रश्न नहीं आना है, 4 अंक के एक भी प्रश्न नहीं आना है और 5 अंक का एक प्रश्न आने हैं। अब बात कर लेते हैं आगे डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक की। इसके बाद है रसायन बलगत की, इससे 7 अंक के क्वेश्चन आंसर आने हैं, जिसमें 2 अंक के ऑब्जेक्ट, 2 अंक का एक प्रश्न है, 3 अंक का एक प्रश्न। इसके बाद करते हैं अगला डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इससे 7 अंक के क्वेश्चन आंसर निकलना है, 4 अंक के ऑब्जेक्ट और इसके अलावा 3 अंक का एक प्रश्न निकलना है। अभी वर्तमान में जो आपका ब्लूप्रिंट आया है 27 जून को पब्लिश हुआ है, यदि आगे चलकर ब्लूप्रिंट में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन होता है तो उस पर हम शीघ्र वीडियो लेकर आएंगे। इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखें आगे उपसह संयोजी यौगिक से 7 अंक के क्वेश्चन आंसर आना है, 3 ऑब्जेक्ट आना है, 2 अंक के 2 प्रश्न आने हैं। हेलो एल्केन हेलो एरिन से आपके 6 अंक के क्वेश्चन आंसर आना है, 2 अंक का ऑब्जेक्ट आना है, 2 अंक का एक भी प्रश्न नहीं आना है, 3 अंक का एक भी प्रश्न नहीं आना है, 4 अंक का एक प्रश्न आना है, 5 अंक के एक भी प्रश्न नहीं आना है। अगला है एल्कोहल फिनोल एवं ईथर, इससे 6 अंक के क्वेश्चन आंसर आना है, 3 अंक के ऑब्जेक्ट आना है, 2 अंक का एक भी प्रश्न नहीं आना है, 3 अंक का एक प्रश्न आना है, 4 अंक के कोई प्रश्न नहीं आना है, 5 अंक का एक प्रश्न आना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे 8 अंक के क्वेश्चन आंसर निकलना है, 1 अंक का एक प्रश्न आना है, 2 अंक का एक प्रश्न आना है, 5 अंक का एक प्रश्न आना है, 3 और 4 अंक के कोई भी प्रश्न नहीं आना है। अब बात कर लेते हैं आगे एमीन, इससे कुल 6 अंक के क्वेश्चन आंसर आना है, 4 अंक के ऑब्जेक्ट हैं, 2 अंक का एक प्रश्न है और आपका 3 अंक 4 अंक और 5 अंक के कोई प्रश्न नहीं आने हैं।
अगला पाठ जीवाणु, इससे 7 अंक के क्वेश्चन आंसर आना है, 5 अंक के ऑब्जेक्ट हैं, 2 अंक का एक प्रश्न है, 3, 4, 5 से कोई क्वेश्चन नहीं आना है। एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल से 8 अंक के क्वेश्चन आंसर आने हैं, 2 अंक का एक प्रश्न है, 3 अंक का एक प्रश्न है, 4 और 5 के कोई प्रश्न नहीं है। देखें नीचे, आपके जो 2 अंक के प्रश्न की शब्द सीमा 30 शब्द रहनी है, 3 अंक के प्रश्नों की शब्द सीमा 75 शब्द में लिखना है, 4 अंक का 120 में, और 5 अंक का जो सब क्वेश्चन आपको लिखना है 150 शब्दों में लिखना है। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।